नवरात्र में माँ दुर्गा के नौ रूपों की हम उपासना करते हैं और माँ शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की यात्रा मात्र नौ रूपों तक सीमित नहीं रह जाती। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, जितने भी नाम रूप स्वरूप हैं ये भगवती के ही हैं। ये सारी प्रकृति और ये सारी संस्कृति, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण, संस्कृति रूपेण, बुद्धि रूपेण, श्रद्धा रूपेण, भक्ति रूपेण, कृति रूपेण संस्थिता, समृद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों में हम उपवास और उपासना करते हुए पूरे जगत में भगवती के स्वरूप को देखते हैं और छोटी बेटी कन्याओं से लेकर के माँ के जितने भी रूप हैं वो बहू के रूप में हैं, वो बेटी के रूप में हैं, वो माँ के रूप में हैं, वो सास के रूप में हैं। जिन भी रूपों में मातृशक्ति है, हमने सदा से मातृशक्ति की वंदना की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम सन्यासियों को सारी दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हम भी इन छोटी बेटियों को माँ भगवती का साक्षात विग्रह मान करके इनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन करके एक बात कहना चाहते हैं कि भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति यही रही है। हमने छोटी बेटी से लेकर के माँ का जो भी स्वरूप है उसको सदा पूज्य माना है। जिस दिन ये पूज्य भाव देश में पैदा हो जाएगा उस दिन माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, इसका नामो निशा खत्म हो जाएगा। भारत माता के माथे पर ये जो कलंक है दुश्चरित्रता का, वह मिट जाएगा। नवदुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते करते नवमी पर आज हम संकल्प लें कि हम मात्र नवरात्रों में ही नहीं, हम 24 घंटे 12 महीने माँ के प्रति गौरव का भाव रखेंगे, माँ को सदा सम्मान देंगे। सड़कों से लेकर के संसद तक अब मातृशक्ति को सम्मान मिल रहा है,
ये मातृशक्ति की विजय यात्रा है, ये सनातन संस्कृति की विजय यात्रा है। और नवरात्र के बाद तो विजयदशमी आता है ना, तो जीवन में विजय, सुख, समृद्धि, शांति मिलती ही है।